अब सब ठीक होंगे, खैरियत में होंगे, मज़े में होंगे। तो यार जैसा कि आप देख चुके हैं, पहले दिन का व्लॉग इतना कुछ खास नहीं था बना। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, यारा कुछ क्लिप्स थे जो डिलीट हो गए, जिनकी वजह से सारा मज़ा ख़राब। मुझे अच्छा नहीं था लग रहा। मैं इतनी दिन इसलिए वेट किया कि अपलोड करूँ ना करूँ, फिर दोस्त कहते हैं कर दो, जैसा ही बना आप कर दो अपलोड ना। क्या कर सकते हैं, क्लिप्स डिलीट हो गए, तो आइंदा से तो ख्याल रखूँगा। एक दफ़ा गलती होती है, दूसरी दफ़ा नहीं इंसान करता। अभी ये सीन है कि हम सोए हुए थे आराम सुकून से, तो एकदम आवाज़ आती है नुमान की शायद, कि यार बाहर तो बर्फबारी। एकदम सारे उठ के ना देखने चले जाते हैं क्या सीन है। मैं उठ के क्या, मैंने कहा देखो क्या सीन है, रात को आवाज़ आ रही थी थोड़ी बहुत ना, जैसे पता नहीं कुछ बाहर हो रहा है, थोड़ा वो होता है ना रात को सन्नाटा होता है और आवाज़ आती है थोड़ी थोड़ी। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। तो सुबह उठ के देखा तो नुमान साहब कहते हैं बाहर बर्फबारी हुई हुई है, थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी हुई थी। तो उठ के गई हैं फिर देखने, मैं उठा हूँ और नुमान उठा है, हम दोनों चले गए जैसे आए, तो उसी हालत में, कोई मुंह शुह नहीं धोया, सामने होटल से निकले हैं और बस चले गए। दूसरा दिन शुरू हो गया, सोए अभी अभी उठे हैं बस, तो ये देखा थोड़ी थोड़ी रात की बर्फबारी हुई है। हमारी किस्मत में इतनी बर्फबारी देखना है शायद मेरे हाल में। अब देखते हैं आगे जाते हैं। I can hardly start to speak, I'm weak. आज का प्लान था माउंटेन जाना है और प्लोगा जाना है। तो उठ के हैं सारे बॉयज, नाश्ता वाश्ता डन है, बस अब निकलने की तैयारी है। उस्मान ऊपर जीप बार्गेनिंग कर रहा है, तो एक ही चीज़ में वो बेहतर है, बार्गेनिंग अच्छी कर लेता है। तो मैंने नीचे पानी देखा, तो मैंने कहा चलो यार जाके मोबाइल वगैरह नहलाता हूँ, तो ऐसे शॉर्ट लेता हूँ पानी के अंदर से। अभी नाश्ता वाश्ता किया, अब आगे देखते हैं। जमाली साहब, हमारे जमाली साहब वो खड़े हैं, अभी जीप वगैरह देखते हैं, जैसे कोई आगे निकलते हैं ऑफशोर की तरफ या कोई देखते हैं आगे झील वगैरह। तो यार अब मेरे ख्याल से टाइम ज़ाया किए बगैर निकलते हैं, बारगेनिंग वाला मिशन तो पास हो गया, तो निकलते हैं अब। बाकी सफ़र कुछ लंबा है और रास्ते कुछ ऐसे हैं। पहुंचे हैं अभी बस, अभी प्लोगा बस अभी पहुंचे हैं, आधा घंटा हुआ है। यार प्लोगा में ज़्यादा देर तो रुके नहीं हम, तो सीन ये किया कि हमने वीडियो वगैरह ली और सबको फ़ोटोशूट किया। उसके बाद हमने कुछ नीचे से बर्फ़ उठा के तो उछाल रहे थे सारे। When your heart is filled with doubts and your mind is filled with water, you can hear the vultures come and it's late. So Meher, Meher, मजा आई? ओपी यार बहुत चस आ गया। तो यार अब हम निकलते हैं अपनी असली डेस्टिनेशन की तरफ, असली डेस्टिनेशन माउंटेन लेक। रास्ता थोड़ा सा लंबा है और उसके साथ साथ खतरनाक भी।
फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। इतने सारे खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद फाइनली हम पहुंचते हैं माउंटेन लेक। सबसे पहली चीज़ तो हमने इमेजिन की हुई थी कि सारा पानी होगा, लेक होगा, लेकिन पहुंचते सारी बिल्कुल उसके अपोजिट मिला, सब कुछ फ्रीज, एक्साइटमेंट लेवल डबल। सीन ये हुआ कि बस गाड़ी से उतर नहीं था कि एक बर्फ़ का गोला इधर से आग लग रहा है, एक इधर से लग रहा है। इसको देखी देखी सारे हो गए शुरू लड़ाई करने। बस यार अभी पहुंच गया मॉडर्न लेक, अभी लड़ रहे थे सारे बर्फ से। ये है सारा सारा फिलहाल तो सारा फ्रीज है, ये थोड़ा सा पानी नजर आया फिलहाल फिलहाल इनको देख के गुजारा करें। मेहर दर फटे मुंह। So full of desperation, I can barely stand the rotation, I can hardly start to speak, I'm weak. पकड़ा और लटा लिया, फिर उसको इतनी बर्फ़ मारी, इतनी बर्फ़ मारी, बेचारे का हौसला था उसने बर्दाश्त किया, बड़े दिल का बंदा है। पानी मिल गया, 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 पानी मिल गया। गाइस हमें गाइस मिल गए, गाइस बड़े अच्छे बात नजर आ गई हमें फाइनली। हां और लग रहा नहीं था लेकिन पानी मिल गया फाइनली। यहां मैंने शुएब को शर्त लगाई है, यहां 2 मिनट नहा 10,000 रुपए दूंगा। शर्त लगाओ इधर, शर्त मैं अपना मोबाइल दे दूंगा इसके अंदर ही चैलेंज होगा। 2 मिनट मैंने इधर नहाना है, तू 10,000 रुपए मुझे देगा, मोबाइल देगा, बल्कि इधर ही अभी व्लॉग आना है, इधर चैलेंज लगा ले। मैं अभी बच्चे अभी चलता हूँ, चला चला, तू ज्यादा फ्री नहीं हो रहा। आ ना चला, शर्त लगाते हैं। दो हाँ? नहीं 10 मिनट ना, 10 मिनट ये क्या बात हुई, 2 मिनट की बात हुई, 2 मिनट रहे नहीं 10 मिनट, 3 मिनट रहता हूँ यार। तूने गुस्सा तो नहीं किया जब हमने बर्फ में दबा दिया नीचे उसके? यार इस टाइम मेरा हाथों का खून जम गया अंदर से। तो सबका यही सीन है, सबका यही सीन है, किसका नहीं हुआ? तूने गुस्सा तो नहीं किया ये बता दे बस। नहीं गुस्सा तो नहीं किया, कर भी लेगा तो तूने क्या कर लेना है। हाँ ये भी बात सही है, पर यार मेरा हाथ जम गया ना, जब ग्लव्स लेगा। नहीं नहीं तुम चलो, चल यार आज का एंड करते हैं, एंड करते हैं, खत्म करते हैं आज का। नहीं नहीं जाते हैं चाय पीते हैं, चाय तो चल चाय पीते हैं। ओके खत्म करते हैं इसको, तो चाय पीते हैं जाके मजे से। यार आज उसामा उसामा को जवानी की मौत भी देनी है। उसामा को क्या किया, क्या कैसे सीन करना? कहते हैं ना यार मुझे जवानी की मौत चाहिए। चल ठीक है, उसे अभी पहाड़ से धक्का देना है। मेहर ने मेहनत की है, मेहर की मेहनत चेक करो। मेहर ये मेहर इतनी मेहनत से अपना हम शक्ल इसने बनाया, मेहर चेक करवा देखना, मिलती जुलती शक्ल हो। पिक्चर्स वगैरह बना ली, ठंडी बर्फ से खेल लिया, सारे मस्ती मुस्ती कर लिया। अब भाइयों से पूछते हैं कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस। माशाल्लाह यहाँ का एक्सपीरियंस तो बड़ा बेहतर रहा, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना ये अच्छा निकला। सारी झील माशाल्लाह भी आपने देखा होगा फ्रीज है,
तो मौसम तो खैर बहुत ठंडा है, लेकिन ये हम लोग ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे अच्छे ज़्यादा। बाकी मेहर भाई, मेहर मेहर क्या मज़ा आया तुझे? शेप भाई यार बहुत ठंड है यार, मैं तो फर्स्ट टाइम आया जरा। एक तो मैं ये इसमें भी ठंड लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं हम फ्रिज के अंदर बैठे हुए हैं। चल तुझे फ्रिज से निकालता हूँ बाहर। मैं कहता हूँ पहाड़ी पे चलते हैं, वो देख वो धूप भी है, मतलब डबल ठंड होनी है भाई।